डिस्कस करेंगे। एक न्यूज है जिसके बारे में आप लोग परेशान भी हैं और पूछ भी रहे हैं काफी, कि सीटेट के रिजल्ट पे रोक लगेगी क्या और बीएड वाले इनवैलिड होंगे क्या अब पीआरटी में, यानी प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए। तो इस पे आज कुछ चीजें हैं जो न्यूज में चल रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। कोर्ट ने क्या कहा है और आगे क्या सिनेरियो रहेगा। देखिए, सर्टिफिकेट जो है वो सीटेट का पेंडिंग है, सीटेट के रिजल्ट पे कोई रोक नहीं है। रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, आप अपना रिजल्ट देख चुके होंगे। सीटेट की वेबसाइट है, रोल नंबर पुट करिए और आप जान पाएंगे कि आपका रिजल्ट क्या है, ऑलरेडी आप जानते हैं। बात थी कि डिजी लॉकर में जो सर्टिफिकेट आने वाला है उस पर अब रोक लगेगी या नहीं, और इस चीज का इम्पैक्ट आगे आने वाली वैकेंसी पे क्या पड़ेगा, या जो बीएड धारक है एक तरह से उनको क्या सोचना है अभी इस टाइम पे। ठीक, तो डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट आता है ऑनलाइन, ऑफलाइन अब आता नहीं है। तो इस पे उन लोगों के लिए कहा गया है कि जिन्होंने जिनका बीएड है या पेपर वन है, बीएड वालों का जो पेपर वन है उसके रिजल्ट पे रोक लगनी चाहिए। एनसीटीई ने कहा था कि भाई जो आपके बीएड वाले हैं वो प्राइमरी टीचर का भी पेपर दे पाएंगे या प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हैं, एक ब्रिज कोर्स कर लें 6 महीने का जॉब में जाकर के, और दो जॉब के 2 साल के अंदर, और उनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीएड करके भी आप प्राइमरी टीचर बन जाएंगे। तो अब उस चीज पर बवाल बहुत टाइम से है, सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही हैं, रिट डाली हुई है लोगों ने, जो याचिका कह लीजिए आप उसको। तो उस रिट का क्या जवाब आता है एग्जैक्टली, वो अब पता लगेगा जो कुछ टाइम में, या जब भी पता लगता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो फाइनल माना जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम अभी बात करें तो चीजें ऐसी हैं कि आपने केवीएस में भी अप्लाई किया हुआ है बीएड वालों ने, क्योंकि वो भी उसी बेसिस पे है कि जो भी फाइनल एससी जो भी कहेगा सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से चीजें होंगी। तो अब इसमें दो चीजें हैं कि एक तो सीटेट का रिजल्ट क्या डिले होगा, तो जरूरी नहीं है डिले हो, है ना, हो सकता है हो। अगर हुआ तो फिर जो कि हम सोच रहे हैं कि अप्रैल में जो नेक्स्ट सीटेट है वो जुलाई में होगा, तो उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। बट मुझे लगता है अगर इनको जुलाई में लेना हुआ पेपर तो ये ले लेंगे, क्योंकि 2 महीने पहले भी नोटिफिकेशन दे दें, मान लीजिए अप्रैल लास्ट तक ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर मई में भी दे सकते हैं नोटिफिकेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 महीने पहले आजकल नोटिफिकेशन देकर सीटेट का पेपर करा लेते हैं अगले 2 महीने बाद, तो उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि जो नेक्स्ट सीटेट है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। बाकी क्लियर जानकारी इस पर किसी को भी नहीं है, बट हाँ 2 बार होना है तो उस हिसाब से ये ले सकते हैं। बात रही सर्टिफिकेट की, तो लेट्स सी के रोक लगाते हैं या सिर्फ उन्हीं बीएड वाले कैंडिडेट्स पे ही रोक लगाते हैं, या कोई नोटिस निकाल करके बता देते हैं कि भाई जो बीएड वाले हैं उनका रिजल्ट जो है वो मान्य नहीं होगा जब तक फाइनल नहीं हो जाती चीजें कोर्ट से। ठीक, तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। बात रही बीएड की, सीटेट की वेबसाइट ही चेक करते रहेंगे। बीएड इनवैलिड होने की पीआरटी लेवल पे बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जो 2 साल का आपका डिप्लोमा होता है और जो ये डिग्री है, अब डिप्लोमा वाले सिर्फ प्राइमरी तक ही जा सकते हैं, उस केस में बीएड वालों को भी वहीं ले आए। सबसे ज्यादा कंपटीशन आज की डेट में देश में जो है वो प्राइमरी लेवल के एग्जाम में है। तो बीएड वाले क्योंकि टीजीटी भी दे सकते हैं, अगर मास्टर्स किया हो तो पीजीटी 11 12th के टीचर भी बन सकते हैं। तो अब लेट्स सी के क्या रहता है, हालांकि एनसीटीई ने फैसला दिया है, तो मुझे लगता है कि लेट्स सी क्या होता है, अभी लगता है कुछ छोड़ ही देते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या निकल करके आता है। तो 2 चीजें अभी के लिए, एक तो ये कि सीटेट सर्टिफिकेट पे रोक है कि फाइनल अभी जो बीएड वाले लोग हैं जिन्होंने पीआरटी भरा है उनके रिजल्ट को रोका जाए, तो इस पे सीटेट क्या एक्शन लेता है, रोकता है, मतलब ऑफ कोर्स रोकेगा तो सही, लेकिन पूरा रिजल्ट रोकता है, सर्टिफिकेट प्रोसेस रोकता है, या डिले होती हैं चीजें, या फिर टाइम पे आ जाएंगे और एक नोटिस साथ में दे देंगे कि बीएड वालों के लिए ये चीज वही आपका स्टार मार्क करके, जैसे वो बीसी और एससी के लिए देते हैं कि वो कंसर्न अथॉरिटीज के हिसाब से चलेंगी जो चीजें हैं। बात रही बीएड इनवैलिड होने की, तो इस पे भी अभी कोई जानकारी नहीं है, जब तक फाइनल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो आपका जजमेंट नहीं देता तब तक हम ही कहेंगे। अभी तो चीजें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलेंगी, जिन्होंने भरा हुआ है फॉर्म केवीएस में भी वो भी अपना मस्त तैयारी करें आगे की, ये देखा जाएगा जब फैसला आएगा, और वो फैसला कब आएगा उसके बारे में भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो बेसिक सी बात है कि तैयारी अपनी रोकनी नहीं है, है ना, थोड़ी बहुत चीजें डिले होंगी, और जो डी प्लस बी की आपकी वैकेंसी आने वाली है उसमें भी चीज वही रहेगी कि ये फॉर्म फिर से भरवा लेंगे, और चीजें जो है अगर जब फैसला नहीं आया तो फॉर्म भर के आप पेपर दे देंगे। तो ये देखो अब इस पे कब होती है चीजें, बट डी प्लस बी की वैकेंसी अप्रैल में आने की पूरी पूरी संभावना है, सीटेट के नोटिस की पूरी पूरी संभावना थी, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। तो ये बेसिक सी बातें हैं, कोई टेंशन लेनी नहीं है, अभी चीजें उतनी क्लियर है नहीं इसमें जितनी हो जानी चाहिए, वेट ही करेंगे।